What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग पढ़ रहे थे स्टाफिंग. एक पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट में और अब इसको करते हैं कंप्लीट. तो हमारी बिजनेस डे सेलिब्रेशन सीरीज या बिजनेस डे सेलिब्रेशन वीक इन दिस 100 डेज कॉमर्स मास्टर क्लास बहुत शानदार चल रहा है. दो चैप्टर्स हमने कवर करे हैं, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग. तो 6 चैप्टर्स तक बिजनेस स्टडीज हमारा कवर हो गया है. इसी मंथ के अंदर अंदर हम लोग 2-3 चैप्टर्स और कर लेंगे तो आपका हाफ एडलीस तक का तो काम आसानी से हो ही जाएगा. इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स अगले 2 दिन चलने वाला है और मंडे ऑनवर्ड्स वापस से बैक टू रूटीन. अकाउंट्स बीएसटी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स शानदार चलेगा. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं. लेट्स बिगिन. हमने पहले पार्ट में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा है ना. 3 एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब रिक्रूटमेंट इंटरनल हो सकता है यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल हो सकता है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्सटर्नल में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, यानी अगर मैं बाहर से एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना चाहूँ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेश टैलेंट चाहिए, नए लोग चाहिए, तो कैसे कर सकता हूँ. सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सर, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता क्या है? देखो बच्चों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना नॉर्मली फैक्ट्रीज में देखने को मिलता है और ये इजीएस्ट फॉर्म है रिक्रूटमेंट का. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है और मुझे 5 लेबर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी फैक्ट्री के गेट पे एक बैनर, एक पोस्टर लगा दूंगा जिसमें लिख दूंगा कि मुझे इस तरीके के 5 लोगों की जरूरत है. अगर आपको लगता है कि यू आर अ फिट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट तो आप आओ, आके इंटरव्यू दो, आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको जॉब मिल जाएगा सीधा सीधा. तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना, कहीं अखबार में नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, किसी को बोलना नहीं है. सीधा सीधा अपनी फैक्ट्री के गेट पे या नोटिस बोर्ड पे एक बैनर लगा दो, एक पोस्टर लगा दो, उसी से लोग वॉक इन करेंगे इंटरव्यू के लिए. इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बहुत सिंपल. तो समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और द फैक्ट्री और द वर्कशॉप स्टेटिंग दैट ये वेकेंट जॉब पोजिशंस हैं. सबसे आसान है, जैसे अगर आपको स्वीपर चाहिए, पीएन चाहिए, इस तरीके की जॉब्स के लिए बेस्ट रहता है, ठीक है. दूसरा सोर्स क्या होता है हमारे पास, कैजुअल कॉलर्स. दूसरा सोर्स क्या होता है हमारे पास, कैजुअल कॉलर्स. अब सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो समझ में आ गया, कैजुअल कॉलर्स क्या है? देखो बच्चों, हमने कोई भी फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट करा, हमारे पास लेट सपोज 20 लोग आए, ठीक है. अब 20 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, मुझे जरूरत है 5 लोगों की, बट मुझे 8 लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं. नीड मुझे 5 की है बट मुझे पसंद कितने आ रहे हैं, 8. मुझे लग रहा है यार ये 8 के 8 बहुत अच्छे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं, चाहिए तो मुझे 5. तो मैं क्या करूंगा, 5 का तो सिलेक्शन कर लूंगा, शायद ऐसा कर लूं कि जो पहले आए उनको रख लूं, और जो 3 हैं जिनका ऑलरेडी मैं इंटरव्यू ले चुका हूं, उन पे टाइम लगा चुका हूं और मुझे लग रहा है कि बेस्ट है वो, तो मैं उनको बोलूंगा भैया फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं है, बट हम आपको वेटिंग लिस्ट में रख रहे हैं. हमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर कभी भी किसी कैंडिडेट की जरूरत हुई तो सबसे पहले आपको फोन करेंगे कि अगर आप फ्री हो तो आप आ जाओ, सीधा ज्वाइन करो कल से, क्योंकि आपका इंटरव्यू वगैरह तो सब हो चुका है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरीके की कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है जो उन्हें अच्छे लगे थे बट उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं थी तो नहीं रखा उनको. तो जब भी अब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी नए एम्प्लॉइज की तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, वो वेटिंग लिस्ट खोलेगा. वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोग हैं उसमें से देखेगा कि क्या कोई फिट इन हो रहा है, हो रहा है तो उसको डायरेक्ट कॉल करेगा और सीधा सीधा रिक्रूटमेंट हो जाएगा. इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल कॉलर्स. तो कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, देखो जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एप्लीकेशन फाइल, एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करके रखते हैं, इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस विच द जॉब सीकर्स लीव विद द रिसेप्शन. दिस एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर्ड एज अ वेटिंग लिस्ट. हम इसको वेटिंग लिस्ट कंसिडर करते हैं और हम लोग फिर वेटिंग लिस्ट में से जब भी वैकेंसी होती है तो फटाफट बुला लेते हैं और सीधा सीधा एम्प्लॉई को रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है. तीसरा होता है एडवर्टीजमेंट. ये बहुत आसान है. एडवर्टीजमेंट कहाँ पे आते हैं सर? एडवर्टीजमेंट अलग अलग जगह, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, है ना. जब हमें अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हमने आर्टिकल छपवा दिया, कोई पोस्टर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बना के कि हमें इस तरीके के एम्प्लॉई की रिक्वायरमेंट है, या हमने न्यूज़पेपर में दे दिया, या हमने किसी रेडियो पे दे दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना, ठीक है. तो 3 समझ में आ गए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया,
कैजुअल कॉलर्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, चौथा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब यहाँ पे बच्चों दो सोर्सेज हैं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एक होता है प्लेसमेंट एजेंसी। इन दोनों का एक ही काम है, बट फर्क क्या है अभी बताता हूँ। देखो प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बच्चों एज्यूम कर लो कि आपने अपनी ट्वेल्थ कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और आपको जॉब की जरूरत है, ठीक है। मैं एक इंटरमीडियरी बन जाऊंगा, ठीक है, मैं एक कंपनी हूं जो क्या काम करती है, यही काम करती है कि भाई मेरे टच में स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे टच में बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, तो मैं कंपनीज को बोलता हूं तुम्हें जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे पास अपनी रिक्वायरमेंट छोड़ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा कैंडिडेट दूंगा। मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूं तुम्हें तुम अपना सीवी अपना रिज्यूमे मेरे पास छोड़ जाओ, जैसे ही कोई अच्छी जॉब आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं बेसिकली इंटरमीडिएट बन गया, मैं इंटरमीडिएट बन गया और मैं दोनों को, कंपनीज को जॉब सीकर्स से मिलवा रहा हूं, जॉब सीकर्स को कंपनीज से मिलवा रहा हूं। तो मैं एक इंटरमीडिएट हूं जो कंपनी को कैंडिडेट दे रहा है और कैंडिडेट को जॉब दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब सर प्लेसमेंट एजेंसी क्या है, इसका भी यही काम है, ये भी एक इंटरमीडिएट है जो दोनों लोगों को मिलवाती है, ठीक है। अब अगर वो प्राइवेट एजेंसी है, जैसे मैं सरकारी तो नहीं हूं, मैं तो एक प्राइवेट एजेंसी हूं, तो वो बन जाएगा प्लेसमेंट एजेंसी। अगर ये काम गवर्नमेंट का एक्सचेंज कर रहा है, यही काम सरकारी कोई एजेंसी कर रही है, इस तरीके के एक्सचेंज होते हैं गवर्नमेंट के, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चार का शुरू के चार हो गए। चलो सर, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये प्राइवेट एजेंसीज है, काम इनका यही है, वो गवर्नमेंट है ये प्राइवेट है। कैंपस रिक्रूटमेंट सबसे आसान कॉलेज कैंपस से, जब बड़े बड़े कॉलेजेस में अच्छी अच्छी कंपनीज जाती हैं, एम्प्लॉयज को वहीं से अपॉइंट करती हैं, देखती हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, अपनी डिग्रीज पूरा कर चुके हैं, अब जॉब्स में आना चाहते हैं, तो कंपनीज जाती हैं सीधा कॉलेज कैंपस, वहां से एम्प्लॉयज सेलेक्ट करती हैं, उसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज क्या होता है, जब हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि भैया कुछ अच्छे एम्प्लॉयज रिकमेंड करो। सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की और जरूरत है, तो मैं अपने प्रेजेंट इंजीनियर्स को बोलूंगा यार तुम लोग के साथ तो बहुत सारे इंजीनियर्स पड़े होंगे, तुम्हारे टच में भी होंगे कुछ अच्छे, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंजीनियर चाहिए, तो तुम रिकमेंड करो कि कौन हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। तो मेनी फर्म एनकरेज देयर एम्प्लॉयज टू रिकमेंड द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नोन पीपल, है ना। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, टीवी पे भी कई बार एड निकलता है, आजकल तो टीवी लोग कम देखते हैं, लेकिन पहले अगर आपको याद हो तो टीवी के नीचे एक स्ट्रिप चलती रहती थी जिसपे एड आते रहते थे अलग 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 अलग, तो लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए टीवी पे भी एड कराते थे पहले, क्योंकि लोग टीवी देखते बहुत थे और कोई सोर्स नहीं होता था, इंटरनेट फोन वोन तो होता नहीं था, एंटरटेनमेंट कहाँ से हो, टीवी से होती थी, तो टीवी पे भी एड होता था। तो ध्यान रखना ये जो एडवर्टीजमेंट दिखा हुआ है ये बाकी जगह पे होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, पोस्टर्स, बैनर्स पे, और ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ टीवी की बात कर रहा है, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद भी है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब, वेब शब्द का मतलब क्या है, इंटरनेट, www वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब इंटरनेट पे किसी वेबसाइट के थ्रू, naukri.com, मॉन्स्टर है ना, उसके बाद ऐसे ही लिंक्डइन आजकल बहुत पॉपुलर है, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, जब आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से जॉब सर्च करते हो और आपको वहां पे जॉब मिल भी जाती है, तो इस तरीके के रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं, वेब पब्लिशिंग, ठीक हो गया। इसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होता है जब आप कोई लेबर से काम करा रहे हो, कोई आपका इस तरीके का कोई प्लांट चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, जहां पे आपको जरूरत है लेबर की, तो आपने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया, उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला भैया तू ही लेके आई हो बाहर से सारे के सारे लेबर, हमारे बस का काम नहीं है, जिसको हिंदी में ठेकेदार भी बोलते हैं। तो हमने एक ठेकेदार अपॉइंट कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर लिया, वही लेबर अपने आप लेके आएगा, उसको क्या बोलते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर एंड दे कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेबर एट अ शॉर्ट नोटिस, ठीक है। लो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो 10 सोर्स है, केस स्टडी में कोई भी आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक हो गया। चलो जी, इंटरनल एक्सटर्नल का बच्चों डिफरेंस लिखा हुआ है, मीनिंग हमने पढ़ लिया, कौन से में ज्यादा टाइम लगता है, इंटरनल में कम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि एफर्ट लगता है।
कौन सा सस्ता कौन सा महंगा, ये सस्ता है वो महंगा है ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ बाहर से करना पड़ेगा। इसमें लिमिटेड चॉइस होती है, इसमें ज़्यादा अच्छी चॉइस होती है। इसके बाद मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें बूस्टअप रहता है क्योंकि उनको पता है कि इंटरनली ही होगा, इसमें थोड़ा कभी कभी डामाडोल हो जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास सेलेक्शन, दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, सेलेक्शन। तो सेलेक्शन क्या है हमारे पास, सेलेक्शन पहला हो गया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आपने क्या करा, रिक्रूटमेंट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करा कि भैया आप हमारी जॉब के लिए अप्लाई करो। लोगों ने अप्लाई कर लिया, अब सारे तो बेस्ट नहीं होंगे, कोई ना कोई तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेलेक्शन। अब सेलेक्शन कैसे होगा, देखो लिखा हुआ है इन सेलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स इन जनरल इज मोर देन द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हमारे सामने आता है बच्चों सेलेक्शन का प्रोसेस, अब हमारे सामने क्या आता है सेलेक्शन का प्रोसेस। सर सेलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आता है बेटा सेलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है सबसे पहले अपनी बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेना कि इस कैंडिडेट में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंप्लॉई को अपॉइंट करूंगा तो मैं बोलूंगा भैया अपना रिज्यूमे भेजो, और मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम ग्रेजुएट हो, उसके साथ साथ 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। तो जिन लोग ग्रेजुएट नहीं है, जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो पहले ही बाहर कर दूंगा मैं सीवी चेक करके, रिज्यूमे चेक करके कि भैया मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है? तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब आप ऐसे लोगों पे टाइम मत वेस्ट करो जो आपको लग रहा है कि आपकी क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करते। तो हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमने अननेसेसरी कर दिए एलिमिनेट, अब कौन से लोग आगे बढ़े जो इस चीज में फिट होते हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। फिर हम उनके बच्चों 5 टेस्ट कराते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मेमोरी टेक्निक है, याद रखना, पति टेस्ट। अरे सर पति पत्नी कहां से ले आए, भाई है तो है, पति टेस्ट। 5 टेस्ट होंगे, पति टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट होगा बच्चों पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी में हम क्या जज करते हैं कि एक इंसान का बिहेवियर क्या है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं काम का तो क्या वो रिएक्ट करता है, क्या वो लोगों के साथ बदतमीजी करता है, क्या वो ज़्यादा ओवरबर्डन फील करता है, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है किसी भी एम्प्लॉय की। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर कि किस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करेगा। ए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड कंडक्ट किया जाता है बच्चों ये जानने के लिए कि कितना क्विकली कोई भी कैंडिडेट एक स्किल को सीखता है, हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स, इसको ध्यान रखना। देखो जब आप पढ़ते हो, सपोज मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो सबका ब्रेन अलग अलग है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ 2 बार वीडियो देखते हैं, कुछ लिख लिख के नोट्स बनाते हैं, कुछ का एकदम हो जाता है। तो ये आपका एप्टीट्यूड है कि आप नए मेथड्स नई स्किल कितनी जल्दी सीख पा रहे हो, ठीक है। पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड ट्रेड। ट्रेड में हम क्या चेक करते हैं बच्चों कि एक इंडिविजुअल की अभी करंट स्किल्स क्या है, एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, उसको क्या क्या आता है। तो ट्रेड टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक हो गया। इसके बाद वी हैव इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस में तो आपको IQ लेवल चेक करना है कि भैया कोई कैंडिडेट कितना इंटेलिजेंट है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे आंसर्स करता है, कितना उसको जनरल नॉलेज है, वो सब IQ में होता है। लास्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है कि इसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, इसको कहाँ भेजूँ मैं, इसको कौन से डिपार्टमेंट में बिठाऊँ, फाइनेंस में बिठाऊँ, सेल्स में बिठाऊँ, मार्केटिंग में बिठाऊँ, HR में बिठाऊँ, प्रोडक्शन में बिठाऊँ, किधर बिठाऊँ, तो ये उसके इंटरेस्ट से पता चलेगा। तो 5 टेस्ट होते हैं बच्चों, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, ट्रेड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई, सेलेक्शन टेस्ट हो गए। टेस्ट के बाद अब क्या होगा, टेस्ट के बाद होता है बच्चों अब इंटरव्यू। सर इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू बच्चों बेसिकली कराया जाता है कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, बात कैसे करता है। टेस्ट में क्या पता क्रैमिंग में अच्छा हो, रटने में अच्छा हो, टेस्ट क्लियर कर लिया, कॉन्फिडेंस हो ही ना, तो आमने सामने जब तक डिस्कशन नहीं होता पता नहीं चलता। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होगा। जो लोग इंटरव्यू क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करके फिर उनका रेफरेंसेज और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। रेफरेंस का मतलब हम बोलेंगे भैया आपने कोई जानकार का नाम बताओ जो आपके बारे में डिटेल दे दें, आपके कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स,
आपके स्कूल टीचर्स, आपके आसपास के नेबर्स जो आपका रेफरेंस बता सकें कि आप इंसान कैसे हो, क्रिमिनल व्रिमिनल तो नहीं हो, आपका कोई बैकग्राउंड लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है, कहीं आके हमारी संपत्ति पे नुकसान पहुंचा दो। तो ये आता है हमारे पास रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें कैंडिडेट को बोला जाता है आप दो रेफरेंस दो। कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंसेस से चेक करता है कि उसका करेक्टर कैसा है। ठीक है, रेफरेंस एक बार चेक हो गया, सब ठीक निकला, तो बस फिर हम डिसीजन ले लेते हैं कि भैया इसको सेलेक्ट किया जाए। डिसीजन होता है यहाँ पे कि ठीक है यार, सब कुछ ओके है, सारे टेस्ट क्लियर कर दिए, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, रेफरेंस भी ठीक है, इसका बैकग्राउंड ठीक है, सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट करने के बाद बच्चों मेडिकल कराया जाता है। सर मेडिकल क्यों कराया जाता है? मेडिकल इसलिए कराया जाता है कि फिट भी है, बीमार तो नहीं है, पता चले हर दो दिन बाद बीमार हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में हर दो दिन बाद छुट्टी ले, हम तो किसी काम के नहीं रहेंगे, हम हमारा काम तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएगा, बस अब हम उसको जॉब ऑफर कर देंगे, भैया ये लो आपका जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में उसकी सैलरी, उसका सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कब ज्वाइन करना है, क्या टाइम होगा, वो सब लिखा होता है। फिर कैंडिडेट अगर चाहे तो इस जॉब ऑफर पे नेगोशिएट कर सकता है कि भैया मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ इसको चेंज करो, मेरे हिसाब से कर दो। तो नेगोशिएट करने के बाद जब फुल एंड फाइनल चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, डील हो जाती है, तो फिर हम बनाते हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर हम क्या बना देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेडी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर साइन होते हैं दोनों के, बकायदा ऑर्गेनाइजेशन के भी और एम्प्लॉय के भी, और फिर दोनों बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे के लिए काम करने के। ठीक है, तो ऐसे बच्चों पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा, फिर डिसीजन होगा, फिर उसका मेडिकल कराएंगे, मेडिकल कराने के बाद जॉब ऑफर करेंगे, और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द लास्ट 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 एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर। रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब ट्रेनिंग करानी है। बच्चों जैसे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो आपकी बिजनेस की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग हमेशा एक स्किल की होती है, और जब आप बिजनेस सीख जाओगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। डेवलपमेंट कैरेक्टर का होता है, डेवलपमेंट इंसान का होता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी का होता है। तो डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉई, इट फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, सक्सेसफुल एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, ये चीजें चलती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है बच्चों, ट्रेनिंग से क्या होगा? देखो एक ट्रेंड एम्प्लॉई कम टाइम लेगा चीजों को सीखने में, तो आपका लर्निंग टाइम कम होता है, परफॉर्मेंस बेटर होता है। जो एम्प्लॉई ट्रेंड होता है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है उसकी, कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के देता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब उसके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, वो टीम को साथ में लेके चल सकता है जो ट्रेंड है, लड़ाई झगड़े से बचेगा, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉई सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ट्रेंड एम्प्लॉई उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है कि ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं हो पा रहा, तो अगर एम्प्लॉई ट्रेंड है तो वो क्विकली उसको सॉर्ट आउट कर लेगा। तो ये सारे बच्चों ट्रेनिंग के बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉई को क्या फ़ायदा है ट्रेनिंग का, पर्सनल उसको क्या फ़ायदा है? अच्छा करियर, जो जिसके पास किसी भी तरीके की ट्रेनिंग है उसका करियर हमेशा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, उसका मोरल पॉजिटिव रहेगा, बूस्टअप रहेगा, अच्छा रहेगा, हाईली कॉन्फिडेंट रहेगा वो, है ना, क्योंकि वो ट्रेंड है। एक्सीडेंट्स कम से कम होंगे, एक इंसान जिसको ट्रेनिंग मिली है, जिसको मशीन चलानी आती है, उसका एक्सीडेंट कम से कम होता है, ना के बराबर एक्सीडेंट्स होते हैं, और ज़्यादा पैसा भी कमाता है, मोर अर्निंग्स होती हैं एक ट्रेंड एम्प्लॉई की एज कम्पेयर टू एन अनट्रेंड एम्प्लॉई। ले लो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट, फिर हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे चलते हैं। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कि एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन किया जाए, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं ट्रेनिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावधान इंडिया सवाल मार्क करो, पेपर में आने के चांसेस 100%, 50 भी नहीं 100% आता है। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में बेटा दो तरीके से ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सर ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में क्या फ़र्क होता है? बेटा ऑन द जॉब होता है काम करते करते सीखना, लर्निंग वाइल डूइंग, है ना, और ऑफ द जॉब होता है पहले सीख के आओ फिर काम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चलानी है तो पहले इंसान सीखता है कोई ड्राइविंग स्कूल से या अपने किसी फ्रेंड से, पहले सीखता है फिर अपनी गाड़ी चलाता है। सीधा अपनी नई गाड़ी लेके निकल लोगे ना तो गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ चलता है ऑफ द जॉब।
लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले सीखो फिर करेंगे। ऑन द जॉब क्या होता है, करते करते सीखो। करते करते कैसे सीखते हैं, आप देखते हो इलेक्ट्रीशियंस के साथ छोटे मोटे लड़के घूम रहे होते हैं जो हेल्प करते हैं, वो धीरे धीरे खुद इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। सलून्स पे आप देखते हो हेयर ड्रेसर्स के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, धीरे धीरे एक दिन वो खुद हेयर ड्रेसर बन जाते हैं, राइट? तो वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब इज लर्निंग व्हाइल डूइंग, ऑफ द जॉब इज लर्निंग बिफोर डूइंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द जॉब में व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब क्या होता है, जब एम्प्लॉइज को पहले सिखाया जाता है फिर जॉब दी जाती है, उसको हम ऑफ द जॉब बोलते हैं। अब ऑन द जॉब के कौन कौन से मेथड्स हैं बच्चों, ऑन द जॉब के हमें तीन मेथड्स पढ़ने हैं, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और ओरिएंटेशन। वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे लिखवा दूंगा या बता दूंगा। ओरिएंटेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, मेनली तो हमें अच्छे तरीके से दो पता होने चाहिए, तीसरा कौन सा होता है हमारे पास, ओरिएंटेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले भी आया था ना प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, वही वाला ओरिएंटेशन सेम। सर अप्रेंटिसशिप क्या होती है, अप्रेंटिसशिप बच्चे हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से एक मास्टर वर्कर होता है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, वो मास्टर वर्कर होते हैं, उनके साथ छोटा छोटा सपोर्ट स्टाफ, हेल्पर, वो चलते रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने मास्टर वर्कर को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, देखते रहते हैं, धीरे धीरे देखते देखते छोटा छोटा काम करते करते वो बड़ा काम करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर वो जो मास्टर वर्कर होता है वो खड़े होकर उनको देख रहा होता है कि शाबाश मेरे शेरो, करो काम करो। तो अल्टीमेटली इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड, जो गाइड करता है वर्कर को, लर्नर को, कि भैया कौन कौन से स्किल कैसे कैसे चलेगी। मास्टर वर्कर परफॉर्म करता रहता है, लर्नर उसको ऑब्जर्व करता रहता है, और जब लर्नर सारी स्किल सीख जाता है फिर स्लोली वो अपनी जॉब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ले लेता है और मास्टर वर्कर ऑब्जर्वर बन जाता है। तो प्लम्बर में, इलेक्ट्रीशियंस में, आयरन वर्कर्स में इस तरीके की ट्रेनिंग चलती है, ऑन द जॉब ही है, करते करते सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप पढ़े लिखे बच्चों की होती है, जो स्कूल से निकले कॉलेजेस में गए। अब कॉलेजेस में वो क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। सपोज अकाउंटिंग थ्योरी में पढ़ी है ना, अब हमने क्या करा, हमने बोला कि भैया जाके किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करके देखो। तो होता क्या है, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको अलग अलग कंपनी से इंटर्नशिप मिल जाती है। इंटर्नशिप बेसिकली क्या होती है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का एक पीरियड होता है जिसमें आप जाके प्रैक्टिकली चीज़ें सीख सकते हो। कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है, कंपनीज को बहुत कम पैसे में, कई बार तो फ्री इंटर्नशिप्स होती हैं, कई बार थोड़ा बहुत पेमेंट करती हैं, कुछ कंपनी हाई पेमेंट भी करती हैं, तो बहुत कम पैसे में कंपनीज को काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम को हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं। और एम्प्लॉई को या इंटर्न को क्या फ़ायदा है, इंटर्न को फ़ायदा है कि उसको एक्सपोजर मिल जाता है, रियल लाइफ सिचुएशंस देखने का मौका मिल जाता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी तो वो पढ़ ही रहा है ना। तो इंटर्नशिप क्या है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कंपनीज, वेयर इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस सेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कंपनीज में, ताकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिस कर पाए, है ना। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन को लोग मिल जाते हैं फ्रेश आइडियाज, लेटेस्ट नॉलेज के साथ, और कंपनी को बहुत छोटा अमाउंट देना होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइपेंड, कुछ लोग उसको स्टिपेंड भी बोलते हैं, STIPEND। स्टाइपेंड क्या है, एक बेसिक अमाउंट होता है जो इंटर्न को दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, वर्क के लिए, ठीक हो गया। और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आप समझते हो, जब एक नए एम्प्लॉई को वर्क एनवायरनमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ फैमिलियर कराया जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये रूल्स हैं, ये लोग हैं, ये आपके सुपीरियर हैं, सबऑर्डिनेट हैं, कहाँ पे किसका ऑफिस है। तो फैमिलियर कराना, जान पहचान कराना, नॉलेज दिलवाना, अपने वर्क एनवायरनमेंट से फैमिलियर, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना, इसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ये भी धीरे धीरे हो जाता है, पहले दिन आप नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, अगले दिन थोड़ा कंफर्टेबल, अगले दिन और कंफर्टेबल, तो ऐसे धीरे धीरे आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक हो गया जी। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास आता है लास्ट मेथड जो कि है ऑफ द जॉब में, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। अब सर ये वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, इसके अंदर बच्चों हम लोग एक डेमो मॉडल बनाते हैं सेम टू सेम मशीनरी का। ये कहाँ चलता है, जहाँ पे डेलिकेट मशीनरीज इन्वॉल्व हैं, एक्सपेंसिव मशीनरीज इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और करोड़ों की मशीनरी हमने लगाई हुई है। अब ये मशीनरी इजिली अवेलेबल तो होती नहीं है, अगर हम अनट्रेंड स्टाफ लगा देंगे तो वो मशीन खराब कर सकता है, प्रोडक्शन खराब कर सकता है, पैसा वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके की एक पुरानी मशीन कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं,
और पहले उस एम्प्लॉय को, उस स्टाफ को वो पुरानी मशीन पे प्रैक्टिस कराई जाती है कि भैया सीख ले पहले यहाँ पे अच्छे से, देख ले चीज़ें कैसे चलती हैं। जब ये आ जाएगा फिर उसको एक्चुअल मशीन पे शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वहाँ पे वो एक्चुअल काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल स्कूल। पहले सीख रहा है फिर काम करना चालू करेगा। तो देखो क्या है, इट मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जरूर एग्जाम में लिख के आना है। When the expensive and delicate machineries are involved, then employers avoid using on-the-job methods of training. A dummy model of machinery is prepared, and instead of using original machine, employees are trained on dummy model. और जब वो expert हो जाते हैं तो फिर उसको original machine पे भेज दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, off-the-job training methods. Clear हो गया बच्चों? तो ये था हमारे पास off-the-job training. तो हम लोगों ने recruitment पूरा करा, सेलेक्शन पूरा करा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पूरा करा, और इसी के साथ स्टाफिंग भी हमारा हो जाता है समाप्त। तो बहुत अच्छे तरीके से इस वीक के एंड पे सैटरडे संडे पे बैठ के रिविजन लेना। बिजनेस स्टडीज़ के 6 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, यहाँ तक अच्छे तरीके से सब रीडिंग लगा लेना, गो थ्रू कर लेना, और मज़ा आ जाएगा आपको जब ये आपका कंप्लीट दिखेगा टॉपिक। सही है? तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।